बताया, हमने जो अभी तक दो नारेबाजी की उसमें ही हमारे इस स्ट्राइक का पूरा सार है। हमें क्या करना है और हम किस लिए कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हम क्यों कर रहे हैं। क्या है यार आप लोग, शांत। हम एक कंपनी के अंदर में काम करते हैं जिसका नाम है कोल इंडिया, मतलब समझ लीजिए कोल इंडिया बाप है और उसके सात आठ बेटे हैं, मतलब उसमें WCL एक बेटा है उनका, तो WCL उसकी एक सब्सिडियरी है। तो अगर इस कंपनी को बेचना है, जैसे हमारे पूर्वक्ताओं ने कहा कि BSNL को बेचने जा रहा है, BSNL को क्यों बेचने जा रहा है, क्योंकि अदर टेलीकॉम कंपनी आ गई, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, उन्होंने अपना मार्केट बनाया, उसके बाद उनके ग्राहक कम हुए BSNL के, तो उनका प्रॉफिट कम हुआ। तो कोई भी चाहेगा कि जो अगर मेरी गाड़ी में ज्यादा खर्चा दे रही है तो मैं उसको बेच दूं, दूसरी नई गाड़ी ले लूं, वो कोई भी चाहेगा। BSNL का बेचने का उद्देश्य समझ में आ रहा कि वो लॉस में है, इसलिए उनको बैठ के पेमेंट देना उनको पूरा नहीं रहा तो बेच रहे। कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो हर साल 10 से 12 से 13 हजार करोड़ का प्रॉफिट करती है, मतलब सोने के अंडे देने वाली नहीं, हीरे के अंडे देने वाली मुर्गी है कोल इंडिया इस देश के। तो कौन ऐसा बेवकूफ है जो सोच रहा है कि हम इसको बेच के अलग से पैसा लाए? ऑलरेडी आपको हजारों करोड़ में प्रॉफिट हो रहा है और आप इससे पूरे देश को भी ऊर्जावान कर रहे हो। जो कोल मजदूर यहाँ का अपने खून पसीने से कोयला निकाल के इस देश को बिजली की पूर्ति करता है और इस देश को ऊर्जावान करता है, और ऐसे भी कुछ सेक्टर है वहां पे भी बिजली जाती है, मतलब अपनी बिजली अपने ही पूरे एशिया खंड में आती है। जो अपना चंद्रपुर का जो दुर्गापुर पावर प्लांट है वहां की बिजली पूरे एशिया, मतलब भारत के भी बाहर जाती है, ये अपने लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है क्योंकि वो कोयले से बनती है। तो साथियों, कमर्शियल माइनिंग एक मतलब धोखा है ऐसा बोलने में कोई हरकत नहीं, क्योंकि ये तो कमर्शियल माइनिंग सिर्फ एक क्या बोलते हैं, सामने का मुखौड़ा है, उसके आड़ में बहुत कुछ हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि कमर्शियल माइनिंग के पीछे में उन्होंने FDI भी कर दिया है 100%। FDI मतलब बाहर का कोई आएगा, क्योंकि अपने देश में पूंजीपति की कमी नहीं है, किसी फॉरेनर को भी लगेगा, बिल गेट्स को लगेगा कि इंडिया में आके हमको बिजनेस करना है तो वो आके यहाँ के माइंस खरीद सकता है। तो क्या होगा, आज जो 300 रुपए रोजी में यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको समझ सकते हैं उनकी क्या मजबूरी है। बेचारे काम कर रहे हैं, उनको 700 रुपए रोजी, आज भी उनको 300 रुपए ही मिल रहा है, तो उनकी हालत देखिए, हमारी हालत देखिए। जो नेशनलाइजेशन के बाद हमारे जो कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्यों किया गया होगा, हमें इतना लाख 1.5 लाख पेमेंट देने के बाद भी कंपनी हजारों करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो सोच सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है कि 300 रुपए पेमेंट लेके और उनको कितना करप्शन करना है आने वाले दिनों में इस कंपनी में, इस गवर्नमेंट को। मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मन की बात करते हैं, जन की बात करते नहीं कभी वो, तो उनको लग रहा है। देखिए, जैसे हमारे प्रवक्ता ने कहा कि हमारे जो कोल मंत्री है प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने कोशिश की कमर्शियल माइनिंग को बढ़ चढ़ के बता के और उनको ऑक्शन करने की, मगर उनसे नहीं जमा, हमारे मजदूरों ने विरोध किया, उनको लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक ही तो बाप है अपने इंडिया में, और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, भूल जाइए आप, वो BJP के प्रधानमंत्री है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ मगर मैं BJP को भी नहीं मानता, तो वो BJP के प्रधानमंत्री है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि वो कभी बात करेंगे पहले BJP बात करेंगे। देश में ऐसा कुछ हो रहा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, आप समझ रहे होंगे चीन के बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कोरोना के आड़ में लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, 20 लाख करोड़ का पैकेज रिलीज किया गया, उसका हिसाब अब तक नहीं लगा, तो ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। कोरोना से जितने लोग नहीं मरते उससे कहीं ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा भूखमरी से हमारे देश में लोग मरते हैं, उसको कोई नहीं बताएगा। तो साथियों, मीडिया उनको दिखा रही है जो दिखाना चाहते हैं, मगर जो इतना बड़ा आंदोलन जो कोल मजदूर के बीच में चला रहा है उनके प्रति एक परसेंट भी उनके प्रति मतलब भावना नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम किसके पेट पे लात मारने जा रहे हैं। निर्मला सीतारमन जी हमारे वित्त मंत्री, वो अनाउंस करती है कि हम कमर्शियल माइनिंग लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? देश में पैसे की कमी है, देश में कोयले की कमी है, हमारा देश दुनिया का 5वां कोल रिजर्व रखता है, मतलब अगर पूरे पृथ्वी पे कहीं कोल होगा तो हम 5वें नंबर पे, जो सबसे ज्यादा कोल हमारे पास है, पहले नंबर पर US, फिर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और रशिया आता है, उसके बाद 5वां नंबर आता है। तो हमारे पास इतना कोयला है, हम 300 साल तक मतलब 4 से 5 पीढ़ी हमारी कोयला निकाल, 300 साल तक हम कोयला निकाल सकते हैं, इतना कोयला हमारे पास है। तो सोच सकते हो कि हम जब खुद निकाल सकते हैं, हमारी कंपनी हजारों करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो हम क्या नई मशीनरी नहीं खरीद सकते, क्या हम नई ब्लॉक नहीं कर सकते। और साथियों, जो कमर्शियल माइनिंग के आड़ में आपको बता दूं
अगर मुझे कहीं खदान खोलनी है तो उसके लिए उस जगह का एनओसी लेना पड़ेगा। जैसे हम अगर अपन प्लॉट गए तो एक एनओसी आते ना अपना एनए मिलता तो आप रजिस्ट्रेशन होते आपका 7-12 बनते, तो उसके लिए वहां का एनओसी लेना पड़ता, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता। अगर वो जमीन जंगल के अंतर्गत आती है तो उसको फॉरेस्ट के लिए क्लियरेंस लेना पड़ता, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता जो पर्यावरण में उसका भी क्लियरेंस था, उसके लिए हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए उसके लिए खर्चा आता है, हजारों करोड़ रुपए खर्चा आता है उसके लिए, मतलब समझ सकते हो आप। तो इस कमर्शियल माइनिंग के आड़ में जो कंपनी जो बेचने जा रहे हैं कोल ब्लॉक्स प्राइवेट मालिकों को, ऑलरेडी हमने उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, फॉरेस्ट क्लियरेंस है उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, हमने जमीन खरीद चुकी है। ऐसे नए ब्लॉक फावड़ा मारो तो कोयला निकलेगा, ऐसे नए ब्लॉक ये प्राइवेट को देना जा रही है। तो सोच सकते हो साथियों कि ये मतलब एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है जो हमारा कोल ग्रेड के नाम पे हमको बेवकूफ बनाया गया था। आज तक हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी उनपे लांछन लगाया गया था, आज तक उनको तो अंदर कर नहीं पाए, एक चार्जशीट उनके ऊपर दाखिल नहीं कर पाए। तो वो तो घोटाला नहीं था मगर ये घोटाला जरूर निकलेगा, जब आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा तो ये घोटाला जरूर निकलेगा साथियों। तो आपको बात ये समझना पड़ेगा कि मतलब हम बीजेपी के जो प्रधानमंत्री है, आप में से बहुत लोगों ने उनको वोट किया होगा, मैं उनका व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूं मगर हमारे कंपनी के लिए दुश्मन है वो, तो बहुत कुछ करने जा रहे हैं साथियों। उसके अलावा भी बहुत कुछ बातें, मतलब जैसे हमारे श्रम कानून बदलाव जो हम आज इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, आपके सामने आके बात कर रहे हैं, श्रम कानून मतलब स्ट्राइक का अधिकार हमारा छीना जाएगा, हमारे